बलरामपुर जिले में वन कर्मियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गांव से हाथियों को खदेड़ने के लिए बिना प्रशिक्षण ग्रामीणों को लगाया हाथी भगाने में और हाथियों के पास मरने के लिए जंगल में धकेला, जिसके कारण एक शख्स की जान चले गई। दरअसल बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र रघुनाथ नगर के ग्राम चावर सरई में बीते एक सप्ताह से 13 हाथियों का दल जंगल किनारे विचरण कर रहा है, जो अभी तक 6 घरों को तोड़ चुका है, वही कई एकड़ फसलों को भी रौंद डाला, जिसे लेकर ग्रामीण रत जगा करने को मजबूर है। वे घर जो जंगल के किनारे है, रात होते ही घरों से दूर दूर चले जाते हैं। वही ग्रामीण इस समस्या से निजात पाने को वन कर्मी के झांसे में आ गए और हाथियों को नदी पार खदड़ने को राजी हो गए, जिसका नतीजा पूर्व सरपंच शेर सिंह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए, हमारे यहाँ हाथी करीब एक सप्ताह से लोटा बारा से लेकर के और चावर सरे का जो अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मतलब रात शाम को 6 बजे 7 बजे वो कहाँ पे निकलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, और जहाँ पहुँचती हैं वो वहाँ पर पूरे फसल का तहस नहस कर देती हैं। फॉरेस्ट वाले आते भी हैं तो तार वार लगाए हैं, लेकिन तार से कोई मतलब नहीं होता है, वो तोड़ताड़ के अंदर आ जाती हैं, और जिस फसल में जाती हैं वो उनको कोई भगा नहीं पाता, फॉरेस्ट वाले भी उनको भगा नहीं पाते, पूरी रात जो है उस फसल को नष्ट करती हैं। कुछ भी नहीं मिला है फॉरेस्ट की तरफ से, न कोई प्रशिक्षण, न कोई टार्च, न कोई व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन इस क्षेत्र में इतना उपद्रव मचाई हुई है हाथी कि मतलब पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, और सारे लोग शाम को जो किनारे किनारे में घर हैं अपना घर छोड़ करके और बस्ती की तरफ भागते हैं, डेली का काम। परसों दिन शाम को सब यहीं पर फॉरेस्ट वाले जुटे हुए थे और यहीं पे सब वो विचार बनाए कि कल इनको दौड़ाना है जंगल से, कम से मोरन तक पार कर देना है, और यहाँ से जैसे छुट्टी हुई परसों जैसे हाथी गए मनवारी में, और मनवारी से हम लोग चल दिए, और कहाँ चले गए कि वो ये रोड जो सब मेन रोड गया है वहाँ तक गए, वहाँ से हम लोग पीछे हो गए, हम लोग वहाँ से 4 जने पीछे हो गए, फैल के चल रहे थे वहाँ पे, और जैसे सर हाथी टूटा वहाँ पे तो अपना अपना जान हर कोई बचाया, वहाँ से चल दिए, भाग गए। अब फिर मैं ये नहीं बता सकता हूँ सर कि कौन कहाँ गया, कौन कैसे किया, उसको हमको जानकारी नहीं है वहाँ पे। देखिए, फिर मैं वहाँ से निकला, सीधे चल। मृतक शेर सिंह रात को घर नहीं लौटा और फोन भी नहीं उठा रहा था। घटना की जानकारी लोगों को सुबह लगी, जब शेर सिंह रात भर घर नहीं आया और परिजन शेर सिंह को सुबह तलाशने लगे तो लोगों को अनहोनी की चिंता सताने लगी और घटना स्थल पर गए तो देखा कि शेर सिंह की मौत हो गई है। घटना तो मेरे को आज मिला है, पता। तो कैसे पता चला? पता ये चला कि शाम को नहीं आया था घर में, और मोबाइल रखा था लड़कुआ, मोबाइल में मैंने यहाँ फोन करते थे ना तो घंटी तो जा रहा था लेकिन उठाता नहीं, तो इसमें ये शंका हुआ कि पता नहीं भाई कैसे कैसे हो गया। फॉरेस्ट वाले आए थे और 2 कार्टून बिस्कुट लेकर के, और वो लोग कहे कि नहीं चलो हाथियों को भगाने के लिए, तो वो लोग ले गए और लड़के लोग गए वहाँ, गए और हाथी मिल गए, अब पता नहीं किधर किधर भागे, कोई पता नहीं। यहाँ से मैंने कहते हैं कि नहीं 32 आदमी, तो 32 आदमी गए थे जिसमें कि 31 आदमी आए। ग्रामीणों के अनुसार वन कर्मी सुबह गांव में आए और साथ में बिस्किट व पानी लेकर आए थे और हाथियों को मारने नदी के पार खदड़ने का मनसा लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किया। मृतक के पिता के अनुसार कुल 32 लोग वहां गए थे, मगर 31 लोग ही लौटकर घर आए। बिना प्रशिक्षण दिए ग्रामीणों को हाथियों के पास ले जाना मौत के मुंह में झोंकने के बराबर है, जिसका परिणाम शेर सिंह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वही वन परिक्षेत्र अधिकारी अलग ही दलील दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे वन कर्मी डे रिपोर्ट के लिए हाथियों का लोकेशन लेने गए थे और ग्रामीण अपने मन से वहां गए व हाथियों के साथ छेड़खानी की, जिस वजह से हाथियों ने उन पर हमला किया होगा। हमारे यहाँ ये हाथी का प्रवास मेरे परिक्षेत्र रघुनाथ नगर में 9 तारीख से सोनहत से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे चौं सरई तरफ की ओर उन्होंने बढ़ा। हमने उनको जो है से गांव में आने के लिए या फसल के नुकसानी के रोकने के लिए हमने जो मास्टर ब्रिकेट्स जो होता है उसको हमने ब्रिकेट्स लगाया। हमको डेली जो है से उच्च स्तर पर जो है से रिपोर्ट देना पड़ता है कि हाथी कितनी नुकसानी किया और हाथी अभी कहाँ पर है और उसकी रुख किधर की ओर है जाने की। उसी तरतब में कल मेरी स्टाफ जो थे 5-6 स्टाफ
जो थे वो अब जंगचौर सरई ग्राम चौर सरई से लगे हुए जंगल में उन्होंने गया, जो कृष्णकर्मा 622 में उन्होंने हाथी को देखा कि वहाँ पर हाथी हैं। जब उन्होंने वापस आया तो पता चला कि गांव के लोग भी, ग्राम चौर सरई के लोग जो है से हाथी की ओर देखने के लिए या जो भी उनकी रुख किया। हमारा स्टाफ ने उनको मना किया कि उधर मत जाइए, मेन स्टाफ ही साथ में, मना करने के बावजूद भी लोग गए तो मेरे स्टाफ साथ में वहाँ तक गया ना। उस घटना में अब लोगों ने हाथियों को छेड़छाड़ करने के प्रयास किया। For more information, log on to www.clips.in.